नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी अर्गमान ऑफ मेडिसिन की सीरीज चल रही थी, जिसमें मैं डेली एक एफोरिज्म के बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि मास्टर हनीमैन ने क्या बताया है कि एफोरिज्म में एक एक करके एफोरिज्म में सूत्र जो है अपनी प्रैक्टिस में उन्होंने कैसे उसको अप्लाई किया था, उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो सीरीज के क्रम में आज एफोरिज्म 13 एफोरिज्म के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो महात्मा हनीमैन ने बताया, देयर फोर डिजीज That does not come within the provenance of manual surgery, considered as it is by the allopathist as a thing separate from the living whole, from the organism and its animating vital force and hidden in the interior, be it of ever so subtle a character, is an absurdity that could only be imaged by mind of a materialistic stem, and hitch the thousands of years given to the prevailing systems of medicine, all those pernicious impulses that have made it is a truly mischievous non-healing art. This is the aphorism of 13 explained by Dr. Hanuman. अपनी प्रैक्टिस के बाद में डॉक्टर हनीमैन ने अर्गनान ऑफ मेडिसिन के 6th एडिशन में लिखा था, तो उसके बारे में एक एक एफोरिज्म के आपको बारे में चर्चा करते हैं। तो उन्होंने बताया कि शरीर, बॉडी, जीवन शक्ति, वाइटल फोर्स और डिजीज और रोग का पारस्परिक संबंध क्या रहता है। एलोपैथिक चिकित्सक समझते हैं कि रोगों का ऐसे रोग जो शल्य क्रिया के दायरे में नहीं आते हैं, जो शल्य क्रिया के दायरे में नहीं आते हैं, शरीर की जीवन शक्ति से कोई संबंध नहीं है, वाइटल फोर्स से कोई संबंध नहीं है, और रोग शरीर के किसी अंग में छिपे रहते हैं, रोग किसी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में छिपे रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां पाकर उभर आते हैं। यह मान्यता नितांत भ्रमपूर्ण है और भौतिकवादी विचारधारा और दृष्टिकोण को प्रकट करती है। इस विषय पर कोई भी वाहम बहस तर्कसंगत नहीं हो सकती। वस्तुतः भौतिकवादी मान्यताओं पर आधारित एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली ने ऐसे विचारों और मान्यताओं की स्थापना कर दी है जिसके कारण यह चिकित्सा पद्धति मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो रही है, ऐसा एफोरिज्म 13 में महात्मा हनीमैन ने बताया। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में विश्वास करने वाले लोगों को यह दृढ़ मान्यता होती है कि सभी रोग, जिसमें वह रोग शामिल नहीं है जो शल्य क्रिया के क्षेत्र में नहीं आते हैं, किसी न किसी विषाणु से, वायरस से, बैक्टीरिया से द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जो बीज रूप में शरीर में किसी न किसी रंग में मौजूद रहते हैं, परंतु इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कुछ रोग वायरस और कीटाणु, वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु यह कहना मूर्खता होगी कि सभी रोगों के मूल कारण कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया होते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के अनुसार वाइटल फोर्स पर रोगों के आक्रमण तभी होते हैं, मतलब जीवनी शक्ति पर रोगों के, डिजीज के आक्रमण तभी होते हैं जब स्वास्थ्य संबंधी नियमों का उल्लंघन करने और असंयमित जीवन व्यतीत करने के लिए वह दुर्बल और क्षीण होने लगती है। होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली शरीर में कीटाणुओं, वायरस और बैक्टीरिया की मौजूदगी को रोग उत्पत्ति के कारण के रूप में नहीं अपितु लक्षण के रूप में स्वीकार करती है और यह मानती है कि कोई भी कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया एक स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बनाने की क्षमता नहीं रखता, बदलते उसकी जीवन शक्ति पूर्ण रूप से संपन्न और सबल हो। इसका मतलब है कोई भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, अगर हमारी वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स पूरा फुली मजबूत है, उसमें किसी तरीके की कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं है, वीक नहीं है, तो कभी भी हम बीमार नहीं हो सकते हैं। तो 13 एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन ने ये लिख दिया है, ये समझा दिया है कि वाइटल फोर्स ही हमारा इल होता है, जब कमज़ोर होता है तभी हम बीमार होते हैं। किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि जो हमारे शरीर को उसको बीमार कर सके। हाँ, होते हैं बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, उन्हीं को वो इफेक्ट करते हैं, उन्हीं को वो रोगी बनाते हैं, जिनका वाइटल फोर्स, जो जीवनी शक्ति होती है, वो दूषित होती है, वो किसी कारण से हो सकती है, कोई एलिमेंट फ्राम हो, अपना डिप्रेशन में हो, किसी भी तरीके से कोई उनका एक्साइटिंग काज हो सकता है, एक्साइटिंग काज की वजह से जो हमारा वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होता है, उसके अनुसार हमारा वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होने के बाद में ही चीड़ होता है, कमज़ोर होता है, तभी कोई बाहर का जो कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन पर असर करते हैं। तो ये आज मैंने आपको एफोरिज्म 13 के बारे में बहुत बारीकी से बताया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको
लाइक कर दीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे होम्योपैथिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का भी बटन ऑन कर दीजिएगा, जिससे टाइम टाइम पे जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमेड।